रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आज तक आईपीएल हिस्ट्री में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन फिर भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजीज में से एक है। ऐसा क्या अलग किया इस फ्रेंचाइज में, डिटेल में बात करते हैं द फ्रेंडली पिच में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन भल्ला। तो यार पिछली वीडियो में मैंने सीएसके की जर्नी की बात की थी, और सीएसके का तो हमें फिर भी समझ आता है क्योंकि पांच बार ट्रॉफी जीती है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। लेकिन आरसीबी वो क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, उन्होंने तो एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती। और इन दोनों टीम्स का तो एक बहुत बड़ा आगे मैच भी आ रहा है ना 18 मई को, आरसीबी वर्सेस सीएसके, तो उसकी तो बहुत ही अलग लेवल हाइप है। लेकिन उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कोई और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बस पूरी जर्नी की कि आरसीबी ने ऐसा क्या किया कि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर होगी डिस्पाइट कि वो एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। तो उन्होंने अलग यही किया कि वो आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, बट यही सच है, क्योंकि जब कोई काम आपका पूरा नहीं होता, कोई चीज़ बीच में रह जाती है ना, तो लोग वेट करते हैं वो होने की। अगर वो बहुत पहले ही सीज़न में एक ट्रॉफी जीत जाते, मान लो वो 2016 के फाइनल में एक ट्रॉफी जीत जाते, तो उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा ना बढ़ती। या 2011 में एक ट्रॉफी जीत जाते जब वो फाइनल खेले थे, तब ऐसा हो जाता है यार ठीक है अब जीत तो गए, इतना क्या है। लेकिन वो नहीं जीते तो उनका वही एक तरह से टैगलाइन बन चुकी है कि हम इस साल जीतेंगे, हम इस साल जीतेंगे, ई साला कप नाम दे, और वो लॉयल्टी वाला एंगल ले आए। उनकी कंटेंट टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। किसी ने ये भी कहा था कि आरसीबी इज़ अ कंटेंट टीम हु समटाइम्स प्ले क्रिकेट, और ये बिल्कुल सच बात है। उनके अब रेस्टोरेंट्स भी है, बार्स में, आप बैंगलोर में देखो, आरसीबी एक बहुत बड़ी एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। क्रिकेट उनका एक तरह से बस वो बिजनेस है जहाँ से उनको पैसा आता है। अब वो और बहुत ज़्यादा अलग चीज़ों में घुस चुकी है, आप उनका यूट्यूब पर जाके देखो, वहाँ पर वो वीडियोज़ बनाते हैं, और उनका कंटेंट गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फैंस उनके पीछे बहुत सारे हैं, और वो फैंस उनके पीछे इसी कारण है क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि ये टीम ट्रॉफी कब जीतेगी, वो उनका इमोशनल कनेक्ट बन चुका है। तो ये सारी चीजें उनके साथ बहुत अच्छी हो गई इस कारण, और इसमें आरसीबी की मैं सोशल मीडिया टीम को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा। उन्होंने इतने साल हारने के बावजूद वो फैंस को बनाए रखा, वो लॉयल्टी वाला एंगल जो लेकर आए, ये पहले नहीं चलता था कि इतना ज्यादा हमारे लॉयल फैंस हैं। ये उनकी कंटेंट टीम ही ये एक वर्ड लेके आई कि हमारे लॉयल फैंस हैं, और वहां से एक वेव चलती गई। अब हर कोई यही कहता है कि भाई मैं तो आरसीबी का फैन हूं, मैं तो लॉयल हूं। और विराट कोहली ने जो अपनी कैप्टनसी छोड़ने वाली वीडियो में कह दिया कि भाई मेरे लिए तो लॉयल्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट तक इसी टीम के लिए खेलूंगा। और ये सारी चीजें कलेक्टिवली आरसीबी को इतना ज्यादा पॉपुलर बना गई। और जो बेस्ट डिसीजन उन्होंने आज तक, डिसीजन कह लो या उनकी किस्मत कह लो, कुछ भी, उनके पास आज तक का क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार है विराट कोहली। मतलब विराट कोहली से पॉपुलर एथलीट आज तक ना इंडिया में आया है और ना ही शायद कभी आएगा। और वो बंदा इस टीम की इतनी ज़्यादा तारीफ करता है, इस टीम को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी इंटरव्यू होता है उसमें आरसीबी की बात करता है। तो मतलब अगर इतना बड़ा कोई एथलीट, इतना बड़ा सुपरस्टार जिस टीम को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो वो टीम तो पॉपुलर होगी ना। वो टीम के लिए वो खेलता है भाई, अपनी पूरा पैशन दिखाता है, और उसने क्या कुछ किया है इस फ्रेंचाइज के लिए, और एंड में तो अब क्लियर ही कर दिया कि मैं ये फ्रेंचाइज के लिए ही खेलूंगा एंड तक। तो आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी कोई भी फ्रेंचाइज। तो ट्रॉफी आज तक नहीं जीती है, लेकिन आरसीबी के ओनर्स बिल्कुल खुश होंगे, उनको नहीं फर्क पड़ रहा होगा ट्रॉफी नहीं जीती। ठीक है, ट्रॉफी सबको अच्छी लगती है, फैंस को अच्छी लगती है, लेकिन एट द एंड आईपीएल एक बिजनेस है, और ये सारी फ्रेंचाइजीज इंडिविजुअल में अपने आप में एक कंपनीज हैं। जैसे हमने बात की थी सीएसके अब इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन चुकी है, वैसे ही आरसीबी एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है, बहुत अलग अलग फील्ड्स में जा रही है। तो एज अ बिजनेस अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी है ये। और फैंस के लिए यार ठीक है, मैं मानता हूँ कि फैंस को ट्रॉफीज चाहिए होती है, फैंस को नहीं मतलब कि वो टीम कितना पैसा कमा रही है, क्या कमा रही है, उनको तो ट्रॉफी चाहिए। तो एक ये एक तरह से बुरी बात भी है, अच्छी बात भी है। बुरी बात यही है कि फैंस को बुरा लगता है, बार बार उनका दिल टूटता है, लेकिन अच्छी बात यही है कि उनका बार बार दिल टूटता है तो वो इसको सपोर्ट करते हैं और भी ज़्यादा अगले साल, और भी ज़्यादा पैशन से, जिसके कारण वो कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रही है। तो आप ये साइकिल समझ रहे हो कि बार बार रिपीट हो रहा है। और जिस साल आरसीबी जब आईपीएल जीत जाएगी, तो मैं कह रहा हूँ इंटरनेट विल ब्रेक दैट डे। मतलब इस साल वुमेन्स की टीम ही जब आईपीएल जीत गई तो इतनी बड़ी बात बन गई थी, अगर मेंस की जीत जाएगी तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा भाई।
मतलब अलग ही लेवल हो जाएगा उस दिन का, तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं खुद बहुत बड़ा आरसीबी फ़ैन हूँ और बहुत लॉयल तरीके से बहुत सालों से इस टीम को सपोर्ट करता आ रहा हूँ, और इस टीम में, और ये हमेशा से ना सुपरस्टार्स की टीम रही है, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स इस टीम के लिए खेलने हैं। क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ये तीन नाम मैं लूँगा जिन्होंने इस टीम को वो बना दिया जो आज ये है। क्रिस गेल की वो 175 वाली पारी, और क्रिस गेल ने कितना ज़्यादा एंटरटेन किया है, और क्रिस गेल ने तो भाई आईपीएल फेमस कर दिया। आरसीबी तो क्या ही है, आरसीबी तो बस एक टीम है, और उसने तो पूरा आईपीएल T20 क्रिकेट फेमस किया है उस बंदे ने, तो वो जिस टीम के लिए खेल रहा था वो टीम तो फेमस होनी ही थी। तो क्रिस गेल का बहुत बड़ा हाथ है इस फ्रेंचाइज को फेमस करने के लिए। विराट कोहली का वो 2016 वाला सीजन, 973 रन्स, पूरी दुनिया ने देखा कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है अपनी टीम के लिए, मतलब वहाँ से आरसीबी फेमस हो गई। और एबी डिविलियर्स ने तो ना जाने कितनी ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं आईपीएल में, जो मतलब उनको तो एलियन कहने लग गए ना एबी डिविलियर्स को, कि ये तो इस ये बंदा तो इस प्लेनेट का है ही नहीं, ऐसा क्रिकेट खेलता है। तो आप समझ रहे हो, इतने बड़े बड़े नाम इस टीम के लिए इतने सालों तक लगातार खेले हैं, मतलब कितने सालों तक, तो क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ये तीन बंदे परमानेंट आरसीबी के लिए खेला करते थे। तो जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आपकी टीम के लिए खेल रहे हैं इतना ज़्यादा रेगुलर, और इनकी आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, और ये कंटेंट भी बनाते थे, एड्स में आते थे, तो ये सब चीज़ें हो रही थी जिसके कारण आरसीबी पॉपुलर होती गई। तो ये सबसे बड़े रीजंस हैं आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज का सक्सेसफुल होने में। सक्सेस कभी भी ट्रॉफी से नहीं देखी जाती, वो देखी जाती है उनकी ब्रांड वैल्यू से, उनकी पॉपुलैरिटी से, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी से, क्योंकि एट द एंड ये सब बिजनेस है। कोई भी टीम को बस ट्रॉफीज नहीं चाहिए, उसे फेमस होना है। तो सीएसके और एमआई के पास ट्रॉफीज है, लेकिन आरसीबी के पास इतना ज़्यादा लॉयल फैन बेस है जो उनको पॉपुलर करता जा रहा है। और वो लॉयल क्यों है, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। और इस सब में आरसीबी की कंटेंट टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं जिसके कारण ये टीम पॉपुलर होती गई। आप उनके यूट्यूब पे जाके देखो, वो रेगुलरली बहुत अच्छी, उनका एक टाइम पे तो फिक्स होता था कि सुबह 8 बजे वो वीडियो डालेंगे पूरे आईपीएल, जिसमें वो रिएक्शन वीडियोज़ डालते हैं ड्रेसिंग रूम की, मैच हारने के बाद, जीतने के बाद। और वो एक बहुत ही अच्छा, उन्होंने एक पैरोडी करेक्टर से बनाया हुआ है मिस्टर नैक्स, डैनिश सैड जो प्ले करते हैं, तो वो करेक्टर भी ब्रिलियंट सोशल मीडिया मूव थी। मतलब अगर आप सोशल मीडिया की साइड से देखो तो ऐसा एक करेक्टर उन्होंने बहुत सालों से वो प्ले करते आ रहे हैं, और वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फनी भी और बहुत अच्छा उनके लिए वर्क कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव थी आरसीबी की तरफ से। उसके अलावा अब उन्होंने रेस्टोरेंट्स खोल दिए, बार्स खोल दिए विराट कोहली के साथ कोलैबोरेशन में, तो ये सब वो चीज़ें करती रहती है आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। और एक बिजनेस को ऐसे ही वर्क करना चाहिए अगर आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखो। और जिस साल वो ट्रॉफी जीत जाएंगे उस साल तो मेरे को पता ही नहीं क्या होगा, मतलब कुछ तो बहुत बड़ा अलग सा हो जाएगा, इंटरनेट हैंग वैंग हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। बट उस जब तक नहीं भी जीते तब तक भी वो बिल्डअप करता रह रहा है, मतलब वो एक तरह से वो एक ट्रॉफी जीतने का ये बिल्डअप चल रहा है इतने सालों से। मतलब आप समझ रहे हो, जिस दिन वो ट्रॉफी जीत जाएंगे उस दिन वो बिल्डअप खत्म हो जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक वो ट्रॉफी नहीं जीते तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, जैसे ही वो बिल्डअप खत्म हो जाएगा तो वो ग्राफ नीचे आने लग जाएगा, क्योंकि उसके अगले साल किस चीज़ की वेट होगी। ठीक है, फैंस फिर भी होप करेंगे कि जीत जाए आरसीबी इस साल भी, लेकिन जब वो एक बार जीत जाएगी ना तब वो इतना ज़्यादा डिजायर नहीं रहेगा जीतने का। ठीक है, एक बार तो जीत गए ना, तो वहाँ पर वो डिप आएगा पॉपुलैरिटी का। तो ये बाई चांस हो गया, ऑब्वियसली कोई जान मुझ के नहीं हारता, लेकिन ये बाई चांस ऐसा हो गया कि अभी तक वो नहीं जीती तो और ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, तो ये एक अच्छा सा जोक बन चुका है। बाकी क्लोज जरूर आई है, कई सीजन जीतने वाले थे, 2009 में सेकंड सीजन ही बहुत अच्छा चांस था, वो आई गेस राहुल ड्राविड की कैप्टनसी के अंडर खेल रहे थे, लेकिन और छोटा सा टारगेट चेंज कर रहे थे डेकन चार्जर्स के अंडर, 144 का ही आई गेस टारगेट था, लेकिन वो मैच नहीं जीत पाते, वो सीजन हार जाते हैं। फिर दो साल बाद ही 2011 में भी फाइनल खेलते हैं, लेकिन वो भी नहीं जीत पाते। और 2016 का वो ड्रीम सीजन तो हम सबको अच्छे से याद है, जिसमें विराट कोहली ने 973 रन बनाए थे, एबी डिविलियर्स ने भी 800 से ऊपर रन बनाए थे, वो सीजन तो जीतना मतलब डेस्टिन था, लेकिन वो भी हैदराबाद के अगेंस्ट हार जाते हैं, और वो तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। उसके बाद बस ये तीन ही फाइनल्स खेले हैं, उसके बाद प्लेऑफ्स तक जरूर गए हैं लेकिन जीते नहीं हैं। लेकिन आई होप रियली रियली कि आगे चलकर बहुत ही जल्दी हमें आरसीबी की मेंस टीम भी एक ट्रॉफी उठाते हुए नजर आए, विराट कोहली के होते हुए अगर होगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो विराट कोहली आई गेस 4 साल तो एटलीस्ट, और आईपीएल तो पक्का ही खेलेंगे, 4 से 5 साल तो उन्हें खेलना चाहिए, इंडिया के लिए भी खेलना चाहिए अभी 4 साल, तो आईपीएल तो और भी ज़्यादा खेल सकते हैं। बट आई रियली रियली होप कि जिस दिन
आरसीबी आईपीएल जीते तो विराट कोहली ही वहां पर मौजूद हो, टीम में खेल रहे हो, क्योंकि उस बंदे से ज़्यादा कोई भी ज़रा डिजर्व नहीं करता आईपीएल ट्रॉफी इस टाइम पर अगर आप बात करो। उसने हर साल परफॉर्म किया और रेगुलरली परफॉर्म किया, तो आई रियली होप कि वो दिन जल्दी आ जाए, इस सीज़न आ जाता है। इस सीज़न अगर ये आरसीबी अगर ये प्ले ऑफ में चली जाती है आरसीबी, तो उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा चल रहा है, तो फाइनल तक पहुँचने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। बट हम वो मैच के बारे में अच्छे से बात करेंगे, वो तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस इन आईपीएल हिस्ट्री है, आरसीबी वर्सेस सीएसके, एक नॉकआउट मैच बन चुका है, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी आपको और कौन सी टीम की ऐसी ही जर्नी जानी है, क्या मुंबई इंडियंस की जर्नी है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और क्या आप एक आरसीबी फ़ैन हो, कौन सी टीम के फ़ैन हो, ये भी ज़रूर बताओ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।